पिछले संडे इसको ऑक्सीजन लगा हुआ था, इसको सांस नहीं आ रहा था, और जब मुझे ये बताया वहां पर हॉस्पिटल में, ये 6-6 फुट जैसे 4-4 फुट उछल रही थी, ये बेड है इतनी ऊपर ये उछल रही थी, फिर ऐसे मतलब इसी को कोई पटक रहा था। मैं प्रेयर में था, मेरे को इसकी फोटो आई मेरे मोबाइल पे, व्हाट्सएप आया, और जब डॉक्टर ने बोल दिया भी साढ़े हाथ खड़े आ, साढ़े को इलाज नहीं होंगे, इन्हों पहला सिविल च लैके गए, उस तो फिर करला हॉस्पिटल लैके गए दुखरवा गुरुद्वारे को, उत्थे सारा स्टाफ सारा उत्थे जो पेशेंट सके इन्हों देख देख के हैरान होंगे सके भी अज ये कुड़ी गई, अज ये कुड़ी मर जूगी, पर ये बहन बपताइज है। जब आपने बपतिस्मा लिया प्रभु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, क्योंकि आप उसकी योजना का क्या हो, हिस्सा हो। हालेलुया। इसके फादर वो चर्च में सेवा करते हैं, क्या सेवा, उनके पास ई रिक्शा है, वहां से मलकपुर अड्डे से लेकर यहां तक वो फ्री संडे को कलीसिया को लेके आते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री सेवा करते हैं। भाई खड़ा हो, इसके फादर है, खड़ा हो जाओ। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, अब पिछले संडे ये चर्च नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि शैतान ने इनको रोक लिया, ये प्रॉब्लम में आई, ये बीमार हुई, इसकी सांस रुक गई, इसको वेंटी पे डाला गया, इसको ऑक्सीजन लगाई गई, वो दिखा ऑक्सीजन वाली फोटो, वही वाली ऑक्सीजन वाली, इसको सा नहीं आंदा सीगा, सा रुकता सीगा, और ये अटैक था। हालेलुया। और जब इसको सांस नहीं आ रहा था, वहां के जो इसके साथ वाले बेड के लोग थे, जो वो भी पेशेंट थे, वो कह रहे थे भी ये लड़की मर जाएगी, इसको आज ही कहीं ना कहीं ले जाओ, बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। अब इनके पास पैसा भी कुछ भी नहीं था, सिर्फ 400 रुपए लेकर ये हॉस्पिटल में चले गए। 400 च इलाज होंगे कि दसो मैनो, कोई 400 च, मैं कहना बेड का किराया भी 400 नहीं होंगे, वो भी घटो घट 2000 रुपया होंगे। हालेलुया। पर इन्होंने क्या किया, प्रभु में मेहनत की, यीशु में मेहनत की, फ्री में खुदा के घर में सेवा की, अपना 100% दिया। अगर इनके पास पैसे के द्वारा नहीं इन्होंने बोया, तो अपने ई रिक्शे के द्वारा इन्होंने वहां से लोगों को लेके आया, ये सेवा की इन्होंने। हालेलुया। और जब ये लड़की, वो वेंटी की वाली फोटो दिखाओ, वही ऑक्सीजन वाली, और जब ये लड़की मरने पे थी, वो सब कहते भी आज मर जाओगी, ये देखो सा नहीं आता, की करिए। मेरे को फोन आया आफ्टर मीटिंग, मैंने इनको बोला मैं 9 बजे आपके हॉस्पिटल में आऊंगा, ये जहां पे भी है मुझे बता दो, मैं हॉस्पिटल में आ रहा हूं। मैं थका हुआ था, फिर भी मैं 8:30 बजे चर्च से गया, मैंने 15 मिनट घर पे रेस्ट की, और मैंने साथ ही अपनी गाड़ी उठाई, अकेला ही मैं इसके पास चला गया, और मेरे साथ खुदा के स्वर्ग दूत थे, उसके एंजल मेरे साथ थे, और वो डॉक्टर, ये डॉक्टर साहब इसके साथ खड़े हैं, ये डॉक्टर वहां का ऑनर है उस हॉस्पिटल का, डॉक्टर कालड़ा। और जब मैं वहां पर गया, मैं हॉस्पिटल में एंटर किया, इसका खेलना खोलना बंद हो गया था, ये उछल रही थी बंद हो गया, और जब क्योंकि वो डॉक्टर ने देखा ये हत्था जो कुड़ी निकलती पी सी, सिर में सुट दिता थी, इधर शरीर मतलब बिल्कुल ही ढिला पै गया सीगा। और जब इसके लिए प्रार्थना की गई, खुदा की सामर्थ्य, जीवित सामर्थ्य ने इस बच्ची को छुआ, इस टाइम ये बिल्कुल अनकॉन्शियस थी, इसको पता नहीं था मेरे पास कौन आ रहा है कौन जा रहा, इसको एकदम उछल रही थी, अटैक होते थे। जब प्रार्थना की गई, जब प्रार्थना के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसे छुआ, मैंने इसको बोला, मैं क्या तमन्ना प्रेयर कर, ये हंसने लगी और प्रेयर करने लगी, वो दिखा वो प्रेयर वाली फोटो, वो प्रेयर वाली फोटो दिखा। और जब इसके लिए प्रार्थना की गई, जब इसके लिए प्रेयर की गई, खुदा की सामर्थ्य ने इसे छुआ, वो डॉक्टर मेरे पास आया, डॉक्टर ने बोला भी साढ़े हाथ तक खड़े हो गए थे पादरी साहब, हुण तां इहनूं मतलब प्रभु बचा सकदा सीगा। और डॉक्टर हैरान सीगा, डॉक्टर कहिंदा मैं जिंदगी दे विच इह कम नहीं देखिया जो अज होया मेरे हॉस्पिटल दे विच, मैं पूरी जिंदगी, जबकि इनकी एक बेटी है वो 40s में डॉक्टर है, इनका एक बेटा है वो भी डॉक्टर है, और ये भी डॉक्टर अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, और देखो ये तमन्ना हंस रही है, ये भी हंसती पई है, तेरी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जब परमेश्वर आपके जीवन में होता है, तो खुदा बाप आपके जीवन में वो करता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब परमेश्वर के स्वर्ग दूतों ने मेरे को भेजा इसके पास, इसके लिए मैंने प्रार्थना की, खुदा के जीवित सामर्थ्य ने छुआ। अब क्या हुआ, मैंने बोला, मैं कहता तमन्ना तूने घर जाना है, कहती हाँ जी, मैं क्या फिर कदों जाना वा, मैं क्या हूं रात बहुत होगी तो सवेरे आ जी। अब जब इन्होंने सवेरे जाना था, सवेरे छुट्टी इन्होंने लेनी थी, उसके बाद क्या था, बिल भी तो पे करना होता है ना, हाँ क्या ना, कोई भी डॉक्टर बिना बिल पे कितने भेजदा वा, दसो मैनु जवाब दो मैनु, है छड़दा कोई डॉक्टर, हाँ क्या ना। जब परमेश्वर इनके साथ था, यीशु इनके साथ था, इन्होंने खुदा के घर में काम किया, अपना 100% दिया, फ्री में इन्होंने सेवा की, कहीं और भी सेवा वाले आए बीच में चले गए, पर ये बंदा आड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया।
परमेश्वर यही देखता है, जो अड़ा और खड़ा रहेगा मैं उसको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। जब मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है तुम सुबह आ जाना, और जो डॉक्टर था, डॉक्टर उसने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा, उन्होंने मुझे बताया सुबह, मैंने सुबह फोन किया, मैं कहा तमन्ना कैसी है, इसके पापा को फोन किया, कहते ठीक है, मैं कहा दसो पूरी रात की मेरी, कहते पास्टर जी डॉक्टर को नींद नहीं आई ऐसे होगी, कहते घंटे घंटे बाद डॉक्टर आके भी देखता सीगा, तमन्ना ठीक है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। इन्होंने बताया, कहते पास्टर जी डॉक्टर कितनी कितनी देर बाद आंदा सीगा, हैं घंटे घंटे बाद देखने आंदे सीगे। तो डॉक्टर ने की किया फिर? डॉक्टर कहंदे कि ए ओही कुड़िया जेड़ी पहला तो जो निकलती सी के सुती हुई, आराम ना मेनू नींद नहीं आंदी पी। अगर कोई भाई या बहन हॉस्पिटलाइज हो, क्या वो अगले दिन आके चर्च में झाड़ू मारेगा? जिस सीधा हॉस्पिटल से चर्च में आई, पूरी चर्च की सफाई की, पूरी चर्च की सफाई की, चर्च इन्होंने पूरी चमका दी थी तीनों जने ने। तमन्ना इसका फादर, इसकी मदर। मैंने कहा, मैं आज थका हूं, मैं रात को सोया नहीं, मैं लेट आऊंगा, मैं 4 बजे चर्च आया, ये 4 बजे तक चर्च में रहे। हालेलुया। अब बात आती है बिल की, बिल भी तो देना था ना, अब इनके पास तो थे कुछ नहीं। ये भाई कभी किसी से उधारी मांगे, किसी से उधारी मांगे, परमेश्वर कहता है मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। जब मैं वहां से आया तो डॉक्टर ने मेरा नंबर लिया, मैंने पिछले बुधवार भी इस बात का जिक्र किया था, डॉक्टर ने मेरा नंबर लिया, मैंने डॉक्टर को बोला, मैं कि डॉक्टर साहब ये मेरी फैमिली है, मेरे चर्च के मेंबर है, आपने इनसे बिल नहीं लेना, जितना बिल है वो चर्च पे करेगी इनका। मैं कहा मैं पे करूंगा, आप मुझे बताओ इनका कितना बिल बनता है। डॉक्टर का पता क्या जवाब था? पास्टर जी मैं इनसे कुछ नहीं लूंगा, आप बोलो चाहे एक दिन रहे, दो दिन रहे, आप जब चाहे रखो, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं इनका फ्री में इलाज करूंगा। मैं कहा इलाज तो हो गया है, मैं छुट्टी दो इनको। कहता ये मेरी जिम्मेवारी है, इनका चीरो बिल बना वहां पर, चीरो। इसके पापा के पास जा जल्दी, क्योंकि जिनके ऊपर बीतती है उनको पता लगता है। जब परमेश्वर आपके साथ होता है, आपके कर्म बताते हैं आपने क्या किया खुदा के घर में। जब आप कर्म करके जाते हो तो परमेश्वर उसका फ्रूट देता है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। की नाम है तुम्हारा? लखविंदर जी। तुसी चर्च विच की सेवा करते हो? ई रिक्शा तुसी फ्री दे विच चलाने हो? हां जी, खुदा दी दया है। किन्ने महीने हो गए तुम्हें ये काम करते हो चर्च विच? मैनू 8 महीने हो गए। 8 महीने लगातार खुदा ने दिता जी, ये परमेश्वर ने दिता, बरकत दिती। जदों तुहाडी बेटी हॉस्पिटल च सीगी उदों तुहाडी सिचुएशन किदां दी सीगी? बहुत माड़ी सी जी। की लगदा सी तुहानू अगे? चानण सी कि नेरा सीगा? बिल्कुल नेरा सी जी। हैं, तुहाडे रिश्तेदार भी उत्थे सीगे? रिश्तेदार की कहंदे सीगे? ओह भी कहंदे सी कि बस गई, हुण गई है। डबल कर इहनू। अच्छा, भी हुण गई ते हुण गई। हां जी, डबल कर इसको स्क्रीन को। फिर उस तो बाद की होया? जो तुसी संडे इस पिछले ऐतवार तुसी चर्च विच नहीं सीगे? नहीं जी। पिछले ऐतवार तुसी किथे सीगे? हॉस्पिटल सी। हॉस्पिटल दे विच सीगे? जो हॉस्पिटल जो ये हथों निकलती पई सी उदो ता मन के हो रहा है, हम अच्छी की करिए, कितने जाइए? तो इलाज लिए पैसे सके? नहीं जी। ओके, फिर डॉक्टर ने तुम्हें की कहा? डॉक्टर कहता सी कितने होर लै, मेरे हाथ खड़े हो गए हम, कितने होर लै जाओ, पर मेरा विश्वास खुदा से। अच्छा, मैं कह मेरे खुदा फादर आ रहे हैं, उन्होंने वेट करने आप बस उन्होंने। ओके, विश्वास परमेश्वर से थीगा। ये हथों निकलती पई सी। बिल्कुल जी। रिश्तेदार की कहें? वह भी कह रहे थे, कहते बस गई है, तो हम छड़ दे, छड़ दे, बस गई है, क्योंकि साथ निकले नहीं सी। हाँ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉੱਪਰ ਤਾਲੂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਲੂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਆਈ ਤੇ ਬਸ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ये मेरे प्रेयर रूम की फोटो है। अगले दिन जब ये हॉस्पिटल सीधा मेरे चर्च में आए, यहाँ पर इस चर्च में आए, तो ये मेरे प्रेयर रूम में बैठी थी। इसको मैंने बुलाया, इसको जूस पिलाया, कहती कुछ खाती हजम नहीं होता। मैं कहा तो खाएगी। इसने एप्पल खाया, जूस पिया, और आज ये ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम से।